हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईचर मोटर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डाटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 3640.40, आज के डेट पे ये शेयर आपका लो गया था 3530.20 एंड आज के डेट पे ये शेयर आपका गिरा है 2.02% एंड क्लोज हुआ है 3549 पे। ओके, और एक चीज, इस शेयर का 10 अगस्त 2022 को जो मैंने टारगेट दिया था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹97,049.44 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹91,250.53 करोड़ एंड पीई रेशियो है 51.1। इस कंपनी के ऊपर आज के डेट पे किसी भी तरीके का कुछ भी आपका डेप्थ नहीं है। ये कंपनी बिल्कुल ही एक डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹5,798.91 करोड़ का। ओके, एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.09। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹69.45, रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.91% एंड ROCE है 19.94%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। ये जो कंपनी है आईचर मोटर्स, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 49.21%, FII का होल्डिंग है 29.5%, पब्लिक का होल्डिंग है 11.06% एंड DII का होल्डिंग है 10.23%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 49.21% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, हम लोग नेट सेल्स देखेंगे। ओके, तो देखिए जून 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी में नेट सेल्स हुआ था 3247.94 करोड़, जो कि इसका जो पिछला लास्ट 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 2022 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 788.21 करोड़, ये भी इसका जो पिछला लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 580.17 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बोलेंगे तो इस शेयर का जून 2022 का जो Q1 का रिजल्ट निकला है वो आपका बहुत ही अच्छा निकला है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 75% एनालिस्ट इन्वेस्टर को ये शेयर आपका बाय सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 54,083.21% का। ओके, और ये जो कंपनी है आईचर मोटर्स, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए वेरी बुलिश है, एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे। तो देखिए वीकली चार्ट में भी एसआर आपका वेरी बुलिश है, एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे। तो देखिए मंथली चार्ट पे भी एसआर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका 1 सितंबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। आज के डेट पे यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला, क्योंकि आज आपका ज्यादातर शेयर ही गिरा है, क्योंकि आपका निफ्टी सेंसेक्स से आपका गिरा है एंड आपका डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
RSI भी देखिए यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह का 1 वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए इस जगह पे ये आपका है मई 2022 का 3rd वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी ऐसे आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, और एक चीज देखिए 1 सितंबर 2022 को शेर खान ने इस शेयर का आपका टारगेट दिया था 4100 और 9 सितंबर 2022 को ICICI डायरेक्ट ने इस शेयर का टारगेट दिया है 4170। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹3550। अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाला 3 महीने में इस शेयर आपका ₹4000 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हुआ, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।